मनरेगा कानून के तहत 15 दिन के अंदर मजदूरों की मजदूरी भुगतान हो जाना चाहिए था, परंतु उत्तर प्रदेश श्रावस्ती गांव बाबूपुरवा के निवासी रामसागर सहित 25 गरीब मजदूर परिवार के लोगों को पिछले एक साल से मनरेगा मजदूरी भुगतान न होने के कारण इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या है, 20 दिन ले नरेगा में काम किया गया, पैसा एक साल हो गया नहीं मिला। 25 लोगों ने काम किया था, अरे बहुत जगह कहा गया है, लेकिन सेक्रेटरी से कहा गया है, प्रधान से कहा गया है, लेकिन पैसा किसी ने नहीं दिलाया है। जिला पंचायत से कहा गया है, पैसा न मिलने से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जिसे खाद दिया खेती करना है या दवा लाना है या और घर की सारी समस्या है लाना है कि कहाँ कपड़ा लत्ता लाना है या कुछ करना है, पैसे नहीं है, कैसे आएगा बाज़ार में उधार थोड़ा मिलेगा। समस्या ये है जी कि हमने मनरेगा में काम किया था सड़क पटाई में, और पैसे न मिलने पर हम लोगों के लिए बहुत दिक्कत है। बच्चों के खाने पीने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, घर की जुताई गुड़ाई बुआई और ये घर फूस छप्पर छाली सब छाने के लिए, खाद फूस लेने के लिए बहुत समस्या है। किसी से नहीं कहा पैसे के लिए? किसी से नहीं, प्रधान से कहा पैसे के लिए, और पंचायत मित्र से? पंचायत मित्र से भी कहा, पासबुक भी ले गए हमारा, वहीं जमा करके रखे हैं सर। कौन रख लिया है? पंचायत मित्र रखे हैं, पासबुक नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अभी जब पैसा आएगा तो हम आपको बुलवा लेंगे। मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग गिलौला ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी का मोबाइल नंबर 94 54 46 48 56 पर कॉल करके दबाव बनाएं और हमारी मदद करें। मैं रही सहमत, उत्तर प्रदेश जिला श्रावस्ती, इंडिया अनहार्ट के लिए।